हरशंकर भाई, एक चीज और, जरा जो राहुल गांधी ने कहा, कुछ लोग, मैं इसलिए क्योंकि सबका एक मानना है कि राहुल गांधी कोई सेंसेशनल सेंसेशन फैलाने के चक्कर में नहीं रहते। मेरा एक चीज और है, ये जो अमित शाह बार बार, जैसे ही अभी हुआ, अभी लोग वहां दबे हैं, निकाले भी नहीं गए अमित शाह के। मैंने 23 तारीख को बता दिया था, मैंने 23 तारीख को बता दिया था। तो क्या केरल के चीफ मिनिस्टर जानबूझ के अपने आदमियों को मार डालने के लिए एक साजिश रच रहे थे कि वहां जब लैंडस्लाइड आएगा तो कैसे लोग मर जाएंगे? मतलब अमित शाह कहना क्या चाहते हैं, मैं अभी भी नहीं समझा। क्योंकि विजन का जो पहला वो स्टेटमेंट आया था, बाद में उन्होंने कहा कि आपने ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट की बात, लेकिन शुरू में उन्होंने कहा कि इस समय ऐसी त्रासदी है। ये सब बातें हम लोग ब्लेम गेम बाद में कर लेंगे, अभी तो कम से कम मिल चुके थे। मैं इस पे भी जरा हरशंकर भाई आपका करूंगा, ये तो बहुत साधारण सी है, दुश्मन का भी घर जल रहा होता है, पहले पानी डालते हैं, बाद में फिर उससे बात करते हैं। अमित शाह को इतनी जल्दी क्या थी ये बताने की इसका मतलब दाल में कुछ काला है? क्योंकि जो सबसे बड़ा चोर होता वही कहता चोर 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 चोर, ये हरदम वही। वो एक तो इस पे, और जो राहुल गांधी का ये जो अभी मामला हुआ है, इस चक्रव्यूह को बनाने की कोशिश तो बीजेपी कर रही है राहुल गांधी को, लेकिन चक्रव्यूह में कहीं खुद नहीं फंसते जा रहे हैं, उल्टा चक्रव्यूह नहीं बन रहा है। हरशंकर भाई, जी देखिए, ऐसा है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। दाल में काला तब होता जब कुछ 19-20 होता। यहां तो बिल्कुल साफ है, कोई भी बिना चश्मे के भी देख सकता है, आंखें बंद करके भी देख सकता है। सिर्फ अमित शाह का बयान सुन ले तो समझ सकता है कि ये किस दिशा में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। देखिए, केंद्र जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत उसकी ये है कि वो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बार बार हर जगह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। और वो जो है डबल इंजन की सरकार जहां पर नहीं है, देखिए अब तो यूपी में भी, मैं माफी चाहूंगा बीच में मैं बोल रहा हूँ, यूपी में भी अब सिंगल इंजन की सरकार बची है ऐसा ऐसा लगता है। तो ये जो डबल, हाँ मैंने मतलब प्रसंग के बगैर ही बता दिया ताकि मैं आपके चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट देख लूं, और मैं बोलूं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती तो मुझे लगता है कि बुद्धि मेरे थोड़ी से चुचा रही है। मैं कुछ बहुत गंभीर बोल रहा हूं और मैं बहुत अगंभीर व्यक्ति हूं, तो इसलिए सर बात यह है कि यूसुफ भाई, ये जो केरल का मामला ही नहीं, पिछली बार जब हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई थी और प्राकृतिक आपदा में जिस तरह से वहां जान माल का नुकसान हुआ था, हिमाचल सरकार मांगती रही पैसे, स्पेशल पैकेज मांगती रही, मदद मांगती रही, लेकिन नहीं दी। उल्टा बदनाम करने में लग जाते हैं कि ये हुआ, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुख्यमंत्री वहां का, हिमाचल का, गली गली मतलब हर कोने में गया, खुद वो वहां पर जाकर राहत कार्यों की समीक्षा कर रहा था। उसकी गुल्लक में, गुल्लक यानी बैंक, या उसके पास जो अपना डिपॉजिट था वो सारा पैसा उसने दे दिया उसमें, और जैसे भी हुआ द बेस्ट जो हो सकता था वो किया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। केंद्र सरकार के है क्या, केंद्र सरकार वैसे भी वो कंगली है, उसके पास कुछ है नहीं मदद करने को। ये सब कर सकते हैं इधर उधर से, अब जो जहां से कर सकते हैं वहां से उन्होंने क्या गोलमाल किया हुआ है ये किसी को पता नहीं है। एक प्रधानमंत्री राहत कोष है जिसमें कोई आरटीआई नहीं लगा सकता, जिसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है उसमें पैसा कितना है, किसका है, किसने दिया, कितना इकट्ठा हुआ, उस पैसे को उन्होंने कहाँ खर्च किया और वो कहाँ खर्च कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। तो ये मतलब जो है वो उनके लिए नहीं है। अब केरल में जिस तरीके से वायनाड में त्रासदी हुई, तो एक गंभीर व्यक्ति को सबसे पहले ये कहना चाहिए था, गंभीरता दिखानी चाहिए थी कि साहब ये बाकी बातें बात की हैं, आपदा आई है, ये बताइए कि सबसे पहले क्या करना है। ये हम मदद भेज रहे हैं, ये हम फलानी चीज भेज रहे हैं, इतने चॉपर भेज रहे हैं, सेना भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए इसके अलावा, हम इतना मतलब और इमदाद भेज रहे हैं, तात्कालिक भेज रहे हैं, उसके बाद जो होगा ऐसे उसको उसका आकलन करके फिर हम भेजेंगे। और आदमी की जान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहली चीज है। जो जान माल का नुकसान है उसमें भी जान का नुकसान पहली चीज है, तो जितने लोगों को बचाया जा सकता है, जो काल कबलित हो गए वो तो हो गए, जितने लोगों को बचाया जा सकता है उनको बचा लिया जाए।
ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया वो भाषा हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उसके हुक्मरान करते रहते हैं, और खासतौर से A1 और A2 उनकी यही भाषा होती है। A1 A2 कह देना काफी है, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा नामकरण कर दिया है कि अपना अपनी जुबान भी गंदी नहीं होती और काम भी हो जाता है। तो सर ये जो जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पहुंचे आपने देखा, और अपनी जान को वो एक तरीके से हथेली पर रखकर पहुंचे, कोई वहां के लिए एडवाइजरी थी कि वहां कोई जाए ना, वहां मौसम बिगड़ा हुआ था, फिर से लैंडस्लाइड हो सकता था, फिर से मौसम बिगड़ सकता था, ऐसी स्थिति में वो तस्वीरों में जिस जगह पर और जिस लकड़ी के पुल से पुल पर चलते हुए नजर आ रहे हैं रेनकोट पहनकर, उससे पता चलता है कि वो उन मतलब उनके अंदर भावना क्या है, वो आखिरी छोर तक अपनी आंखों से देखकर ये मुतमईन कर लेना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 100 घर बनवाएंगे, देखिए सीमित है, 100 घर पार्टी बनवाएगी, पार्टी चंदा करके बनवाएगी, कैसे बनवाएगी, लेकिन उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होगा, सरकार ने तो अभी तक कुछ करा ही नहीं है। ये तो एक मुद्दा रहा, ये सरकार जो है ये ढकोसले करती है, ये जुमले छोड़ती है, ये विकास की बातें करती है और जेब जो है वो आम आदमी की काटती है। बजट में आप देख लीजिए कि एक जगह से उन्होंने थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दिखाया और 4 जगह से आपकी जेब काट ली, पीछे से मारी आपको लात कि जाओ ऐश करो, सरकार ने बहुत दे दिया आपको। ये दरअसल इसके अलावा अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। सर आनंद जी, जो डरा हुआ शासक होता है, और डरा हुआ कौन होता है, हर फासिस्ट हर तानाशाह डरा हुआ होता है। आप सोचिए कि वो कोई भी किसी भी तानाशाह का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो अंदर से बहुत भयभीत मिलेगा आपको, और जो अंदर से बहुत भयभीत होता है वो हमेशा ये इस तरीके के प्रपंच और इस तरीके के काम करता है। वो डरा हुआ आदमी ही किसी पर आक्रमण कर सकता है, और जो आदमी डरा हुआ नहीं है, डरो मत, वो मोहब्बत की दुकान ही खोल सकता है। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, वो कहते हैं डरो मत, और इनके मन में ही इतना डर है कि ये उस डर से ही मरे जा रहे हैं। ये इनके डर क्या है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई तो क्या होगा, हमारी सारी पोलें खुल गई तो क्या होगा, कच्चे चिट्ठे सामने आएंगे तो क्या होगा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। अभी तो ये 7 घूंघट वाला मुखड़ा है, अभी कोई इनके पास जा थोड़ी सकता है। ये जब बाहर भी निकलते हैं आपको दिखाई देते हैं तो कई कई लेयर, 7 और दर्जनों भर लेयर होती है सिक्योरिटी की, जिसके बीच में चलते हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता। ये कोई राहुल गांधी थोड़ी है जो रामचेत मोची के यहाँ जाकर बैठकर चप्पल सिलने की कोशिश करता है और प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि इस देश में क्या क्या चीजें सिलने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो हया फट गई है सत्ता की, उसे सिलने की जरूरत है। तो सर वो जो जिसको डर नहीं है वो बिल्कुल नजदीक जाता है। और जहां तक ये एक कुछ खबरें ये भी हैं मैंने देखी कि विदेशी कुछ पेशेवर लोग हैं जिनको सुपारी टाइप की कोई चीज दी गई है, ये मैंने खबरें देखी, क्योंकि मेरे पास तो कोई वो है नहीं है, लेकिन ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके के हिंदुस्तान में कुछ खास लोगों के आपने देखे हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, कौन है, तो विदेशी ताकतें किस तरीके से हो सकती हैं, कौन इन्वॉल्व हो सकता है, और कनाडा में बैठे हुए जो लोग हैं वहां पे, कनाडा में जो गैंगवार कराते रहे हैं वो कौन लोग हैं, इस बात पर यूसुफ भाई सोचना चाहिए कि कनाडा में पिछले दिनों जो गैंगवार हुए हैं वो गैंगवार में किनका नाम आया था और कनाडा सरकार ने क्या आपत्तियां की थी, इस बात को भी सोचना चाहिए। तो कौन करा सकता है राहुल गांधी पर हमला, ये दूर तक देखिए और देर तक सोचिए। अगर संजय राउत इस बात को कहते हैं कि उनके ऊपर हमला हो सकता है तो संजय राउत निराधार नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर रात के 1:30 बजे बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि ऐसा संभव है कि उनको मतलब ऐसा संभव है कि ईडी वगैरह या कोई भी एजेंसी जो है वो मुझे गिरफ्तारी करने की या मेरे पर कार्यवाही करने की कोशिश कर रही है, 1:30 बजे बाद जो व्यक्ति करते हैं, देखिए मैं बताऊं आपको, मैं मेरे पास मैं कल कोई सूचना थी,
मैंने एक हल्का सा एसएमएस किया और सूचना जो थी वो बहुत पुख्ता सूत्र थे, दलित वर्ग से आते हैं और टॉप मोस्ट अधिकारियों में से एक हैं, उनसे यकायक बात हुई तो उन्होंने मुझे एक हिंट दिया। तो देखिए ये बात तो सही है कि इनकी गिरफ्तारी फिलहाल टल गई हो, आज टल जाए कल टल जाए, लेकिन सदन में जो वातावरण बनाया जा रहा है और जिस तरीके से राहुल ने घेरा है और जो इन A1 A2 का कार्यशैली है उसमें मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत दिन तक टाली जाएगी। ये मानेंगे नहीं, ये अपना नुकसान करेंगे निश्चित तौर पर। जब जब इन्होंने ऐसा किया है अपना नुकसान किया है, लेकिन इन्हें लगता है कि नहीं पहले दुश्मन को समाप्त कर दो, क्योंकि हर तानाशाह यही सोचता है कि दुश्मन समाप्त तो सब कुछ समाप्त। तो ईडी सीबीआई या इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, हेमंत सोरेन के लिए हो चुका है, केजरीवाल के लिए हो चुका है, किसी और के लिए भी हो सकता है। कुछ एक ऐसे छूट सकते हैं जो दो कश्तियों में सवार रहते हैं, जो गाली भी बकते हैं, डंडा भी मारते हैं और वो मतलब एक अलग तरीके का एटीट्यूड भी रखते हैं, वो इधर को खिसक भी आते हैं और यहाँ से आके और फिर भाग भी जाते हैं और दिखाते हैं कि नहीं हम साथ हैं, ऐसे लोगों को छोड़ दें तो ये संभव है। जी आप मुझे भगाना चाहते हैं, मैं समझ गया आपके इशारे से, मैं भाग